लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर लिया है। अब बीजेपी ने यूपी की बाराबंकी समेत 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी तय कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शनिवार को देर शाम यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय करने को लेकर मंथन हुआ। इसमें एक एक लोकसभा सीट के हिसाब से नामों को तय कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि रविवार को प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। आपको बता दें, गाजियाबाद से वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग, पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद, हाथरस से राजवीर दिलेर की जगह अनूप वाल्मीकि, बदायूं से संगमित्रा की जगह सिनोल शाक को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा प्रयागराज से रीता बहुड़ा, जयपुर से रामचरण बोहरा, गंगानगर से निहाल चंद, बरेली से संतोष गंगवार, कानपुर से सत्यदेव पचौरी, बहराइच से अक्षयवर लाल गौंड, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट सकता है। इसके अलावा कई मौजूदा सांसदों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, जिनमें कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण सिंह, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, मुरादाबाद से सर्वेश कुमार, अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट मिल सकता है। इससे पहले बीजेपी ने यूपी की बाराबंकी समेत 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर शनिवार को दिल्ली के बीजेपी के कार्यालय में मंथन किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रत्याशियों के पैनल पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। पहली सूची में बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, इसमें 44 के टिकट बरकरार रखे गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।